गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, वनकम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर ठीक ही होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई से किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर RRB के मेन्स प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, इवन मेन्स की बात तो हम करेंगे, साथ साथ इंटरव्यू को भी अगर बेस मान के चला जाए कि इंटरव्यू रूम में भी अगर इसकी इंपॉर्टेंस को देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार से इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, या किसी भी एग्जामिनेशन, इवन नाबार्ड के एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन अगर आप RBI ग्रेड बी की भी बात करें तो वहां पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हालांकि मेंस का जो डेट है थोड़ा एक्सटेंड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि यह जो लेक्चर्स है, ये लेक्चर आपके लिए मतलब पैनिसिया का काम करेगा। हर मेंस एग्जाम में, चाहे वो IBPS PO का एग्जाम हो, चाहे वो RRB PO का एग्जाम हो, चाहे RRB क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे IBPS क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे SBI का हो, किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में बात कर लूं, या इवन अगर रेलवे की भी बात मैं करूं तो रेलवे में भी इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग का दो चार सवाल रहता है, तो वहां पे भी इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। RRB की अगर पृष्ठभूमि को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप जानते हैं लेकिन वो गलत है, और जो जानते हैं उसका जो बेस है, ग्राउंड लेवल पर उनकी जानकारी बहुत बच्चों को नहीं होती है। कई बार सबने कहा कि सर आप डायरेक्ट इसका MCQ ले लीजिए, लेकिन नहीं, MCQ लेने से सिर्फ इसका निराकरण नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि इसको ग्राउंड लेवल से लेकर के, मतलब बॉटम से लेकर के टॉप अप्रोच तक मैं इसको लेके जाऊं। दूसरी बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब RRB का ये कॉन्सेप्चुअल क्लास खत्म होगा तब मैं 100 क्वेश्चन का एक रैपिड फायर सेशन लूंगा। तो अभी नहीं, ये बाद का बात होगा इसके बाद, लेकिन आज जो है वो RRB का एक सेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मैं बार बार बोल रहा हूं, सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, तब तक मैं सबको एक्नॉलेज कर लेता हूं। चलिए, सभी लोग जुड़ते चले जाइए। सौरभ नायक गुड मॉर्निंग, मयंक सिंह गुड मॉर्निंग, अंकिता कुमारी गुड मॉर्निंग, अमित कुमार, मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग, डिंपल कुमारी गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज थम्स अप का एक सिंबल दीजिए मुझे, या श्योर कीजिए कि सर यू आर विजिबल एंड ऑडिबल क्लियरली। चलिए, मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग, डिंपल कुमारी गुड मॉर्निंग, उन्नति प्रिया गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। नीरज कुमार शर्मा, सचिन कुमार, मनीषा भारती, अंजलि कुमारी, अर्चना कुमारी, रंभा कुमारी, प्रीतिमा प्रियसी, सलादीन राजा, श्रुति कुमारी, सिंटू राज ऑफिशियल, आरती कुमारी, ज्योति कश्यप, मनीषा कुमारी, सुनिधि कुमारी, ज्योति कश्यप, प्रियांशु गुप्ता भी बोल रही है गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सीमा मेहता, अभय कुमार, आदिल राजा, सभी को गुड मॉर्निंग। मेधाविका प्रिया, रॉकी कुमार, अंकित प्रधान, आस्था श्रीवास्तव, नेहा मिश्रा, पायल सिंह, शिवानी सिन्हा, प्रीति सिन्हा, स्नेहा भारती, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को रोशनी कुमारी गुड मॉर्निंग, सिल्की भगत गुड मॉर्निंग, प्रिया सिंह, अनुराधा कुमारी गुड मॉर्निंग, विकास कुमार, जानना जौरी गुड मॉर्निंग सर विकास जी। चलिए, अमृता राय गुड मॉर्निंग सर, प्रिया भारती गुड मॉर्निंग, कुंदन कुमार गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, राहुल कुमार गुड मॉर्निंग, राधे राधे, मनीषा कुमारी, चलिए राधे राधे, अभिषेक कुमार गुड मॉर्निंग, चलिए सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग जुड़ते चले जाइए, आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप इसको किसी भी प्रकार से इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये CP कॉन्सेप्चुअल नॉलेज सीरीज का जो ये प्रोग्राम आप लोग को दिया गया है RRB का, ये सिर्फ इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, इट्स अ रियल हार्ड कोर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए ना ही मेंस में बल्कि आपके लिए इंटरव्यू रूम में भी उतना ही इफेक्टिव होगा जितना आपके लिए मेंस पेपर में। तो याद रखिएगा, नॉलेज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये डेस्क है जहां पर नॉलेज को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जहां पर आप अपने नॉलेज को क्या करते हो, अनलॉक करते हो। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, मैं फिर बता दूं, आज का टॉपिक देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है कि RRB सुनने में बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका कहां से इसका हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या अमेंडमेंट हुए, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, सभी लोग, मैं किसी प्रकार का कोई एक्सक्यूज नहीं, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए लिंक और बोलिए कि नायक सर ने बोला है ये इसी समय जुड़ने के लिए पेन और कॉपी के साथ। किसी प्रकार की कोई मर्सी और एक्सक्यूजेज मेरे पास कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जल्दी से, चलिए जल्दी से जुड़ गए, चलिए राधे राधे, सभी को राधे राधे, बिल्कुल, चलिए सभी लोग जुड़ते चले गए, मस्त टॉपिक है सर, राहुल कुमार, बिल्कुल।
बैंक टॉपिक है सर, भयानक टॉपिक है। चलिए बिल्कुल गुड मॉर्निंग सालू कुमारी, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। क्या मैं विजिबल हूँ, ऑडिबल हूँ? एक बार मुझे थम इंप्रेशन दे दीजिए, सिर्फ एक बार श्योर कर दिए सर, यू आर विजिबल एंड ऑडिबल। प्लीज प्लीज एक्नॉलेज, प्लीज अश्योर मी। रिया राम राम सर, नीलेश कुमार राम राम। चलिए जल्दी से जुड़ते चले जाइए, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हैं, मुझे सबका प्रेजेंस यहाँ पे चाहिए, सभी लोग यहाँ मुझे प्रेजेंट दिखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ पे है, जितने लोग हैं ग्रुप के जहाँ भी हैं सभी को बोलिए कि क्लास करने के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको ये लग रहा हो कि यार हमने तो पीटी नहीं निकाला और पीटी हम नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्या करेंगे करके, मैं बता दूं ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी बेकार नहीं जाता, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, जिसको देने से बांटने से और बढ़ता है, सीखने से और बढ़ता है, सुनने से और ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी होती है। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। चलिए जल्दी से, सर आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राहुल जी। आकृति बरवाल, चलिए बिल्कुल लगता है मैं ऑडिबल भी और विजिबल भी हूँ। चलिए क्लियर है, चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक RRB, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम मैंने क्या रखा है, RRB। क्या नाम है? RRBs, ठीक है, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं रीजनल, ध्यान से लिखते भी चले जाइएगा, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यहां पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगा तो आप रैपिडली आंसर भी दीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बिल्कुल एक नया तरीका का, जैसे मैंने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा था बिल्कुल उसी तरह का होगा। मैं पढ़ाऊंगा भी, क्वेश्चन भी पूछूंगा, आपके आंसर्स भी मुझे चाहिए कि कितने बच्चों को जानकारी है। देखो बेटा, अगर RRB की बात करें ना कि RRB का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, किस कमिटी के सिफारिश पर हुआ था, तो इसके पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, अगर आज़ादी के पहले की अगर बात हम करते हैं तो आप लोग को पता है कि हमारे देश का इकोनॉमिकल कंडीशन जो था, वो सोशल कंडीशन जो था, फिनेंशियल कंडीशन जो था, वो बैड ही नहीं बल्कि वर्स्ट था। क्या था? वर्स्ट कंडीशन में था, बद से बदहाल स्थिति में हम लोग थे, बदतर स्थिति में हम लोग सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ 1947 में, आजादी मिलने के बाद 1951 में, ध्यान से सुनेगा, मैं एक मिनट का बैकग्राउंड यहां पर देना चाहूंगा क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी। आप लोग सिर्फ नरसिम्हन कमिटी का नाम सुने होंगे लेकिन ये इसका अस्तित्व कहां से आया, कहां से इसका एस्टैब्लिशमेंट की बात कही गई, कहां सरकार को यह जरूरत फील हुआ कि नहीं एक RRB का भी एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज का, याद रखिएगा। 1951 से 52 का वो समय था जिसमें एक कमिटी बनाई गई थी, जिसका नाम था ऑल इंडिया, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। ये कमिटी बनाई गई थी, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो AIRCSC, ये तुम बोल सकते हो, एक कमिटी बनाई गई थी। बिल्कुल बेटा जल्दी से जुड़ते चलिए और लिखते चले जाइए। कौन है विद्या सिंह? रीजनल रूरल बैंक जो है, लिखते भी चले जाइए और आंसर भी देना है। एक मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं 1951 में, ध्यान से ही बैकग्राउंड बेटा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं और कहना चाहूंगा इतने डेप्थ में आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूं वो आपको कहीं भी सिंक्रोनाइज में नहीं मिलेगा। मैं फिर बोलता हूं बेटा ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, बहुत ही बेसिक से मैं बॉटम से लेके टॉप तक लेके चलूंगा, मैं बैकग्राउंड से लेकर के एडवांस लेवल तक जो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिनारियो है RRB का, वहां तक मैं आपको मूव करवाऊंगा। तो आप देखिएगा कि एक 1951-2 में एक कमिटी बनी थी, इस कमिटी का नाम था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। आपको बताना है इस कमिटी को हेड किसने किया था, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इस कमिटी को हेड किसने किया, दिस कमिटी वॉज हेडेड बाय हुम, किसके द्वारा यह कमिटी हेड किया गया था, जल्दी से मुझे आंसर बताइए बेटा, जल्दी से मुझे यह आंसर बताइए। मैं आपसे भी आंसर चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि नरसिम्हन कमिटी के अलावा भी आप लोग RRB के मामले में कुछ जानते हैं या भी नहीं,
क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले ही कहा, आरआरबी इज नॉट अ कप ऑफ टी, दिस टॉपिक इज नॉट द मैटर ऑफ कप ऑफ टी, इट्स रियली हार्ड कोर टॉपिक फॉर द बैंकिंग कंटेंट एंड द बैंकिंग एग्जामिनेशन फॉर अपकमिंग, जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए ये हार्ड कोर कंटेंट है जिसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल साबित होगा। जल्दी से बताइए इस कमिटी को हेड करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? नरसिम्हन, गलत आंसर है कुंदन जी, नरसिम्हन एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। चलिए यहां पर बड़ा ही अच्छा आंसर आया है, एम एस स्वामीनाथन, यह भी आंसर गलत है। देखिए मैं आपको बता दूं, दिस कमिटी वॉज हिडेड बाय, ध्यान से सुनिएगा बेटा, दिस कमिटी वॉज हिडेड बाय ये किनके द्वारा हिड किया गया था? तो याद रखिएगा बेटा, ए डी गोड़वाला इसको हेड कर रहे थे, और गाडगिल साहब जो थे वो एज अ मेंबर थे इस कमिटी में, एज अ मेंबर थे कौन? गाडगिल साहब। और इस कमिटी को हेड कौन कर रहे थे? ए डी गोड़वाला कमिटी इसको हेड कर रहे थे। मैं जानता हूं कुछ बच्चों ने एम एस स्वामीनाथन का नाम क्यों लिया, मैं बताऊंगा, वहां पर भी मैं आऊंगा। मैंने क्या बोला, ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है, इतना मैं बॉटम लेवल से लेके चलने वाला हूं, आप लोग भी सरप्राइज हो गए, सर कहां कहां से ये न्यूज लाए हैं। ध्यान से सुनिएगा कि एक कमिटी बनी, एक कमिटी आजादी के बाद बना, और आजादी के बाद 1951 और 52 के बीच में एक कमिटी बनी सरकार के द्वारा, जिस कमिटी का नाम रखा गया ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी, ठीक है। और इस कमिटी को हेड करने वाले कौन थे? तो एडी गोड़ेवाला कमिटी थे। यही गोड़ेवाला है जिनके संतुति पर, जिनके अनुशंसा पर एसबीआई की स्थापना हुई थी, याद कीजिए, है ना। चलिए बिल्कुल 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 सही बात है, एडी गोड़ेवाला, देखिए बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात है। डिंपल कुमारी ने सही आंसर दिया, निभा कुमारी ने सही आंसर दिया, सबने सही आंसर दिया बाद में मेरे लिखने के बाद, सभी अमिता रॉय, स्वीटी कुमारी गोड़वाला, नीति प्रिया, कृतिशु, एडी गोड़वाला कमिटी बिल्कुल। और गाडगिल जी जो थे वो क्या थे लीड बैंक कॉन्सेप्ट, यही गाडगिल साहब ने दिया था, यही गाडगिल साहब हैं जिन्होंने बैंक में लीड बैंक का कॉन्सेप्ट दिया था 1969 में, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाडगिल साहब के संस्तुति पर ही लीड बैंक कॉन्सेप्ट बैंक में दिया गया था 1969 में, और यही गोड़ेवाला है जिनके संस्तुति पर 1955 में एसबीआई का स्थापना किया गया था, तो याद रखिएगा ये चीज। चलिए यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये कमिटी का स्थापना तो हो गया, इस कमिटी के स्थापना के बाद, ये कमिटी का जब स्थापना हुआ और जब इस कमिटी को हेड कर रहे थे कौन? एडी गोड़वाला। तो उन्होंने क्या किया, सरकार के पास 1954 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। क्या किया 1954 में उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट को सबमिट किया किसके पास? गवर्नमेंट के पास। किसके पास? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। क्या किया? रिपोर्ट जो है सबमिट किया। जब रिपोर्ट सबमिट किया उन्होंने क्या दिखाया, उन्होंने दिखाया कि भैया एक बात उन्होंने बड़े पैमाने पर बताया कि देखो याद रखिए बेटा, एक लोन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग और एक होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग। नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग का मतलब है कि ऐसा लोन जो इंस्टीट्यूशन से ना लेकर के किसी दूसरे, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लिया गया हो, अनऑर्गेनाइज सोर्सेस से लिया गया हो, जैसे मनी लैंडर्स, जैसे आपका लैंडलॉर्ड, उससे आपने जमीन ले लिया, पट्टेदारी, उस समय उन्होंने देखा कि भैया जहां यहां पे देश की जो मैक्सिमम आबादी है, इसी रिपोर्ट ने बताया था कि देश की मैक्सिमम आबादी 70%, ध्यान से सुनिएगा, 70% लोग जो हैं वो आज भी जो है रूरल एरिया में निवास करती, और उनका जो है पैसा है वो एग्रीकल्चर, क्या है? एग्रीकल्चर। और ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर उन्होंने बात कहा कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग, इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग, ध्यान से सुनिएगा, इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग मतलब ऐसे बहुत सारे कम, इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग का मतलब है कि जो बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोग लोन बोरो कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर से, बैंक कहां पे आता है? एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है जिससे आप लोन ले, तो इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग था जो 7.1% उन्होंने बताया कि मात्र 7.1% है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग जो है वो कितना है, तो याद रखिएगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग जो है वो सबसे टॉपिक था इंपॉर्टेंट। उन्होंने बताया कि 92.9%
92.9% जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग का मतलब है ऐसे संस्थानों से, ऐसे जगहों से वहां ग्रामीण लोग लोन लेते हैं, जो किसान हैं जो हैं वो मनी लेंडर से, जमींदार लोगों से लोन लेते हैं ताकि वो अपनी जीविकोपार्जन खेती को कर सके। लेकिन इसमें भी ये 92.9% में 66% जो है सिर्फ और सिर्फ 66% का कंट्रीब्यूशन जो है इस नॉन इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग में भी 66% का जो कंट्रीब्यूशन है इकलौता मनी लेंडर से है। किससे है? मनी लेंडर से, मतलब साहूकार से। किससे है? मनी लेंडर से लिया गया लोन है। तो एक उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने नोटिस किया कि इन लोगों के द्वारा लिया गया लोन जो एक प्रकार से मोनोपोली को दर्शा रहा है, उस पर डिक्टेटरशिप को दर्शा रहा है, डोमिनेंसी को दर्शा रहा है, और कभी भी वहां के जो किसान है, लोकल बॉडीज हैं, उसको कभी भी फ्लोरिश होने नहीं दे रहा है, कभी भी उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। एक जो रूरल इकोनॉमी है वो कभी भी डेवलप हो नहीं सकती। यह बात सबसे पहले ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी ने इस बात को दर्शाया। यही बात आगे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट। बट क्योंकि मनी लैंडर जो थे वो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लेते थे और मनमाना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देते थे, और जरूरतमंद जो है वो लेता था यह सोच के कि चलो भाई हम अगर खेती कर रहे हैं तो खेती के बाद जब उपज आएगी तो भैया हम क्या करेंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन ये कंडीशन जो है वो खराब हो गई। और मैं आपको बता दूं, याद कीजिए कि देश में जो सरकार आज़ादी के बाद जो इंक्लूसिव ग्रोथ था, जिसमें देश के सरकार के द्वारा देश के तमाम व्यक्ति को जो सरकार के द्वारा दिया गया लाभ था वो बराबर देने की बात कही गई थी, और कहा गया था कि भैया सरकार का एक थीम है फिनेंशियल इंक्लूजन का, जिसमें यही मोटिव था कि अगर लाइन में पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति, जो समाज का समाज के नीचे तबके का जो सबसे अंतिम व्यक्ति, उनको भी सरकार के द्वारा दिया गया लाभ मिलेगा। और इसी को पहुंचाने के लिए 1969 में नेशनलाइजेशन किया गया था, याद होगा आप लोग को। नेशनलाइजेशन किया गया था क्यों? ताकि फिनेंशियल इंक्लूजन को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। फिनेंशियल इंक्लूजन को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जाए। फिनेंशियल इंक्लूजन को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, और देश के तमाम लोगों को, जो समाज के नीचे तबके के लोग हैं, ऊंचे लोगों के साथ साथ समाज के नीचे तबके के लोगों को भी समाज के जो मेन स्ट्रीम से क्या किया जाए, उसको जोड़ा जाए, इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम से क्या किया जाए, जोड़ा जाए। देश में नेशनलाइजेशन भी इंदिरा गांधी के समय में किया गया, जो पहली बार पहला फेज था, जिसमें 14 बड़े बैंकों के नेशनलाइजेशन किया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ या उससे ऊपर की थी। ये तो आप लोगों ने पढ़ा हो। लेकिन जब देश का नेशनलाइजेशन हुआ, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग इन कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं हम लोग। 1969 में जब देश का बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, कि देश का बैंकों का नेशनलाइजेशन इसलिए किया गया था कि बैंक के परफॉर्मेंस में कुछ अच्छाई होगी, देश के रूरल एरिया में बैंक के ब्रांचेज खोले जाएंगे, 25% ब्रांचेज रूरल एरिया में खोले जाएंगे, बैंक ज़्यादा वहाँ पे एक्सपेंड करेगा अपने ब्रांचों को, लोगों को कनेक्ट करेगा, लोन डिस्पर्स करेगा, बेनिफिशियल होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1970 में जब रिपोर्ट को देखा गया तो देखा भैया कि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है इससे हमको देखने को नहीं मिला, एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को नहीं मिला। अब देखिएगा, यहां पे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब ये 1970 में नोटिस किया गया तो रिपोर्ट को देखा गया, देखा कि कोई ऐसा खासा फर्क नहीं पड़ा रूरल इकोनॉमी में, किसी प्रकार का एक्सेलरेशन को एक्सेलरेट नहीं हुआ वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ावा नहीं हुआ, वहाँ लोगों के बीच जो है क्रेडिट को एक्सपैंड नहीं किया गया, लोगों को लोन नहीं दिया गया, ये सारी समस्या एज इट इज थी 1972 में। ध्यान से सुनेगा, 1972 से 79 के बीच में, 1972 से 1979 के बीच में एक डीजी डायरेक्टर जनरल थे, डायरेक्टर जनरल रहे, किसका? इंडियन देखिए यार, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इस बॉडी के डायरेक्टर जनरल थे कौन? MS स्वामीनाथन। देखिए आपका बात आ गया, MS स्वामीनाथन।
एम एस स्वामी नाथन, एम एस स्वामी नाथन। मैं ये फिर बता दूं, आप लोगों ने कहा था ना कि एम एस स्वामी नाथन जो है वो लीड कर रहे थे। अब देखिए आ गया 1972 से 79 के बीच में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑल इंडिया, जो आईसीएआर के जो हैं वो डायरेक्टर महानिदेशक कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। और ये वही एम एस स्वामीनाथन हैं जिन्होंने इंडियन लेवल पर इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने देश में एक बहुत बड़े चीज़ों को, बहुत बड़ी समस्या को देखा, ऑब्जर्व किया, कंसिडर किया और नोटिस किया और सरकार को इससे अवगत कराया। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात देखा कि किसान जो है वो खेती कैसे करेगा, किसान जो है एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करेगा, कैसे अपने एग्रीकल्चर खेती जो फार्मिंग सिस्टम को कैसे इन्हेंस करेगा, क्योंकि खेती करने के लिए, अच्छी पैदावार करने के लिए अच्छे बीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, जो आपने देखा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना, तो अच्छे अच्छे बीज की जरूरत पड़ेगी और अच्छे बीज को खरीदने के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने देखा कि किसानों के पास सबसे बड़ी समस्या आ रही है फंड की। यह फंड उसको देगा कौन, रूरल बेस पर फंड देगा कौन, ग्रामीण बैंक तो उस समय तो खुले नहीं थे। क्या वहां के लोग जाएंगे शहर बैंक के पास और क्या बैंक ग्रामीण व्यक्ति को लोन देगा, सैंक्शन करेगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए वो प्रॉमिसिंग नहीं था, लोन सैंक्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे। जो रूरल व्यक्ति थे, रूरल पीपल थे, वो किसी भी प्रकार से उस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे थे, अपने खेती को, फार्मिंग सिस्टम को किसी प्रकार से बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उसका फंडिंग इशू था। और वो चले जाते थे किसके पास, मनी लेंडर्स के पास, लैंडलॉर्ड के पास, और इस चक्कर में वो उसका शिकार हो जाते थे। क्योंकि जो एक कर्ज को चुकाने के चक्कर में दूसरा कर्ज, दूसरे कर्ज को चुकाने में तीसरा कर्ज, और इस चक्कर में किसान के पास मात्र एक ऑप्शन होता था सुसाइड करने का, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो एम एस स्वामीनाथन ने सबसे पहली बार, ध्यान से सुनेगा यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जुड़ते चले जाइएगा और लाइक करते चले जाइएगा सेशन को, सबसे पहली बार एम एस स्वामीनाथन ने यह बताया कि भैया आरआरबी हमारे देश में एक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होनी चाहिए, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होनी चाहिए, ग्रामीण स्तर पर एक बैंक की स्थापना की जाए जो रूरल इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का काम करे, जो यहाँ के रूरल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने का काम करे, जो यहाँ के किसानों को फंडिंग देने का काम करे, ताकि, क्योंकि देश का ग्रोथ तभी हो सकता है जब रूरल बेस पर हम उसके डेवलपमेंट की बात करें। कहते हैं एक घर तभी आगे बढ़ सकता है जब उस घर का सभी लोग शिक्षित हो सके, सभी लोग की नौकरी हो, इंप्लॉयमेंट में हो, तभी उस घर का विकास हो सकता है। तो किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब ग्रामीण स्तर पर उस देश का हर गांव, हर तबका, हर तालुका डेवलप कर रहा हो। तो इसीलिए एम एस स्वामीनाथन को क्या कंसीडर किया गया, फादर ऑफ, ध्यान रखिएगा बेटा, फादर ऑफ आरआरबी। क्या कहा गया इनको, फादर ऑफ आरआरबी। याद रखिएगा बेटा, मैंने ये बता दिया कि क्यों एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ आरआरबी कहा गया, याद रहेगा ना, मतलब इन्होंने ही सबसे पहली अनुशंसा की थी सरकार के पास कि भैया ग्रामीण अगर देश को विकसित देखना चाहते हैं, विकास की रूपरेखा देना चाहते हैं, तो यह तय करना होगा आपको कि ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, वहां के किसानों के लिए, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक यही थे, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन थे, यही थे ना बेटा। और इन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशन तभी सक्सेसफुल होगा जब किसानों को फंडिंग की फैसिलिटी मिलेगी, किसानों को फंडिंग की फैसिलिटी मिलेगी। और इसीलिए एम एस स्वामीनाथन के कहने पर, ध्यान से सुनिएगा, एम एस स्वामीनाथन के कहने पर एक कमिटी बनी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए एम एस स्वामीनाथन के कहने पर एक कमिटी बनी, कब, 1975 में एक कमिटी बनी। आपको बताना उस कमिटी का नाम, आपको बताना जल्दी से उस कमिटी का नाम बताइए मुझे। 1975 में एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई, a committee was constituted। क्या नाम था उस कमिटी का, जल्दी से बताइए। 1975 में एम एस स्वामीनाथन के कहने पर, उनके रिकमेंडेशन पर, एक जब सरकार को उन्होंने ये सारी रूपरेखा बताई ग्रामीण स्तर की, ग्रामीण स्थितियों से उन्होंने अवगत कराया, किसान के जो हालात, वित्तीय हालात को बताया, उन चीजों को देखते हुए सरकार ने क्या किया, 1975 में
एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड की। उस कमिटी का नाम देखो बेटा, एक्चुअली उस कमिटी का नाम, वो कमिटी नहीं थी लेकिन इसको फिर भी कमिटी बोलते हैं, और उस कमिटी का नाम क्या था? देखो आंसर आने लगा, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। देखो कितना सही आंसर दिया है, बिल्कुल नॉट इंटरेस्टिंग। विद्या सिंह बोली नॉट इंटरेस्टिंग सेशन, चलिए बिल्कुल थैंक यू विद्या जी। सीमा मेहता नरसिम्हन, माधविका प्रिया नरसिम्हन कमिटी, और रिया जायसवाल नरसिम्हन कमिटी, रंजित ओझा नरसिम्हन कमिटी, बिल्कुल सही है, और विकास कुमार ने कहा नरसिम्हन कमिटी, श्रुति कुमार नरसिम्हन कमिटी, और शिवानी सिन्हा ने कहा है नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप, बिल्कुल सही है। एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई जिस कमिटी का नाम था नरसिम्हन कमिटी, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। क्या नाम था उसका? नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप। और इस कमिटी को हेड कर रहे थे कौन? तो याद रखिएगा, हेडेड बाय नरसिम्हन, हेडेड बाय नरसिम्हन, नरसिम्हन याद रखिएगा, कौन कर रहे थे? नरसिम्हन सर कर रहे थे इस कमिटी को हेड। और इसी कमिटी का नाम के नाम से नरसिम्हन कमिटी भी बोल सकते हो, या नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप भी बोल सकते हो, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप भी बोल सकते हो, जिनको एस्टैब्लिश किया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया, जिसको स्थापित किया गया उस कमिटी को, कब? 1975 में। और इसी कमिटी ने क्या किया? ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस कमिटी ने 26 सितंबर, इस कमिटी ने जब सरकार को इस कमिटी के संस्तुति पर रिकमेंडेशन ऑफ याद रखिएगा, किसके रिकमेंडेशन पर? तो रिकमेंडेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमिटी, ध्यान रखिएगा, नरसिम्हन कमिटी के रिकमेंडेशन पर एक बात याद करो बेटा, 1975 में नेशनल इमरजेंसी थी, याद है आप लोग को, इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, आपातकाल घोषित थी उस समय, आपातकाल देश में लगा हुआ था, पार्लियामेंट भंग था, लोकसभा क्या था भंग था, और इसीलिए इनके क्योंकि उस समय चुकी उसको एस्टैब्लिश करना था, तो 26 सितंबर, ध्यान से समझिएगा बेटा, क्या 26 सितंबर 1975 को, ध्यान से सुनिएगा, 26 सितंबर 1975, ध्यान से डेट देखिएगा, 26 सितंबर 1975 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, और एक ऑर्डिनेंस पास्ट बैक किसके द्वारा? प्रेसिडेंट किसके द्वारा? ऑर्डिनेंस कौन लाता है? प्रेसिडेंट लाता है ना, किस आर्टिकल के तहत? आप लोगों को पता होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, अंडर आर्टिकल 123, क्योंकि उस समय देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित थी, तब उस समय राष्ट्रपति के द्वारा 26 सितंबर 1975 को एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, अध्यादेश जारी किया गया, और उस अध्यादेश के तहत जब बात जान लीजिए कि जब लोकसभा भंग रहती है, सरकार अस्तित्व में नहीं रहती है, तो कोई भी कानून को लाने के लिए, कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट डिसॉल्व है उस वक्त, तो इस संसद लोकसभा डिसॉल्व है, इसीलिए उस समय प्रेसिडेंट जो है अंडर आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है? एक ऑर्डिनेंस पास करता है। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? तो याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिए ये नाम, याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद, ये क्या थे उस समय? प्रेसिडेंट थे। फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे? प्रेसिडेंट थे। और 26 सितंबर 1975 को जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया, और इस ऑर्डिनेंस के पास होते ही, इस ऑर्डिनेंस के पास करते ही ऑन सेकेंड अक्टूबर 1975 को, देखो याद गया जमा, उनके उस ऑर्डिनेंस को पास किया गया, और पास होते ही ऑन सेकेंड अक्टूबर, गांधी जयंती है ना उस दिन, बताओ बेटा गांधी जयंती था ना, तो गांधी दिवस के दिन सेकेंड अक्टूबर 1975 को फर्स्ट आरआरबी, आपको नाम बताना है कौन सा आरआरबी? फर्स्ट आरआरबी वॉज एस्टैब्लिश्ड, named as प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा प्रथमा
ग्रामीण प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, यही था ना, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक। फर्स्ट आरआरबी वाज सेटअप, फर्स्ट आरआरबी वाज सेटअप किस नाम से किया गया, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर जैसे ही ऑर्डिनेंस पास किया गया, तो एडिनेंस ऑर्डिनेंस लाया गया राष्ट्रपति के द्वारा, उस ऑर्डिनेंस के लाते ही 2 अक्टूबर 1975 को पहला आरआरबी एस्टैब्लिश किया गया, किस नाम से, प्रथमा ग्रामीण बैंक के नाम से। और किस एक्ट के तहत बेटा, याद रखिएगा, अंडर किस एक्ट के तहत, तो अंडर आरआरबी, आरआरबी इज एक्ट 1976, ये इंपॉर्टेंट है, अंडर आरआरबी एक्ट 1976। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, आपने तो अभी तक बताया है कि पहले एक्ट बनता है तब इंस्टीट्यूशन ऑपरेशन स्टार्ट करता है, लेकिन यहां तो इंस्टीट्यूशन पहले ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और एक्ट बाद में बना। तो बेटा जी मैं बता दूं, क्योंकि ये एक ऑर्डिनेंस के तहत लाया गया था, और याद कीजिए किसी भी अध्यादेश को कानून तभी बनाया जा सकता है जब 6 महीने के अंदर उसको पार्लियामेंट में पेश करके उसकी सहमति दोनों सदन से पास कराई किया जाता है ना, तो 6 महीने के अंदर ये पास करा लिया गया और एक एक्ट बना दिया गया, आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1976, आरआरबी एक्ट 1976, याद रखा, आरआरबी एक्ट 1976, याद रखिए बेटा, आरआरबी एक्ट 1976 के तहत, आरआरबी एक्ट 1976 के तहत जो पहला आरआरबी था, मैंने क्या बताया, फर्स्ट आरआरबी क्या बना बेटा, फर्स्ट आरआरबी कौन था, फर्स्ट आरआरबी कौन बना, जल्दी से आप लोग बताइए, फर्स्ट आरआरबी कौन बना, बिल्कुल अंडर एक्ट, बिल्कुल मैं सब बता रहा हूं बेटा, हैदराबाद, हैदराबाद कहां से आ गया बेटा, हैदराबाद नहीं होगा, फर्स्ट आरआरबी कौन था, प्रथमा, देखो नाम भी याद रखना इजी है, प्रथमा, प्रथमा, प्रथम ग्रामीण बैंक पूछा ना, तो उसका नाम क्या होगा, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक, प्रथमा ग्रामीण बैंक कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को कहां पे किया गया था भैया, कहां पे किया गया था, तो याद रखिएगा हेडक्वार्टर्स और उसका प्लेस जहां पे किया गया था वो था मुरादाबाद, मुरादाबाद, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसकी स्थापना की गई थी प्रथमा ग्रामीण बैंक की। और एक बात याद रखिए बेटा, स्पॉन्सर्ड बैंक इसका कौन है, तो याद रखिएगा स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड बाय, किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया था, तो सिंडिकेट बैंक के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा, तो सिंडिकेट बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, तो सिंडिकेट बैंक के द्वारा। ये सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पे, तो मणिपाल, कहां पे, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां पे, आप लोगों को पता है ना, मणिपाल, कहां पे है, मणिपाल, बताया है मैंने, सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर्स कहां, मणिपाल, मतलब पहला आरआरबी कौन, पहला आरआरबी प्रथमा ग्रामीण बैंक, उसकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, कितने पूंजी के साथ, तो 5 करोड़ की कैपिटल के साथ, कितना कैपिटल, इसका ऑथराइज कैपिटल कितना था, 5 करोड़ के साथ, हेडक्वार्टर्स कहां पे, इसका मतलब कहां पे किया गया था, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट जो यूपी में है, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, सिंडिकेट बैंक। स्पॉन्सर बैंक क्या होता है मैं बता दूं कि हर ग्रामीण बैंक का, हर ग्रामीण बैंक का एक स्पॉन्सर बैंक होगा, और वह स्पॉन्सर बैंक ऑलवेज एक नेशनलाइज पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो नेशनलाइज है, वही किसी ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक होगा, यह तय है। अब स्पॉन्सर बैंक का क्या रोल है, यह हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सेशन में थोड़ा देर बाद। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, बिल्कुल 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 यहां तक तय है, एकदम सही है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को, यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक बात मैं बता दूं, ये आरआरबी में स्पॉन्सर्ड सिस्टम, स्पॉन्सर्ड, ध्यान से समझिएगा, ये भी एग्जाम में कुछ पूछा हुआ है, स्पॉन्सर्ड बैंक का जो सिस्टम है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किसने कहा था ये बात, किसने कहा था ये बात, जल्दी से मुझे बताइए, किस व्यक्ति ने ये कहा था कि आरआरबी में एक स्पॉन्सर्ड बैंक का होना बहुत, जिसको प्रायोजक बैंक बोलते हैं, किनके कहने पर आरआरबी में स्पॉन्सर बैंक के सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जल्दी से मुझे बताइए, किस कमिटी के कहने पर, किस कमिटी के कहने पर यह बात तय की गई कि आरआरबी में स्पॉन्सर बैंक का भी शेयर होल्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा, जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कमिटी के कहने पर, किस कमिटी के कहने पर आरआरबी हैज जो स्पॉन्सर, ये बिल्कुल रिया जायसवाल कह रही हैं कि एवरी आरआरबी हैज स्पॉन्सर बैंक एंड स्पॉन्सर्ड बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही है, नो राजेश सर, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा,
सभी लोग जुड़ते चले जाइए, लाइक करते चले जाइएगा। एस्कॉन्स किसने किस कमिटी के सिफारिश पर यह तय हुआ था कि हर ग्रामीण बैंक में स्पॉन्सर बैंक का शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। शेयर स्पॉन्सर बैंक का होना लाजमी है, जरूरी है, अनिवार्य है। जल्दी से मुझे बता दीजिए। नो आइडिया सर, पूनम यादव कह रही नो आइडिया सर। एलके जा, गलत आंसर है बेटा। नरसिम्हन कमेटी बिल्कुल सही आंसर है। नरसिम्हन कमेटी को कि नरसिम्हन, अगर आपसे पूछ दिया जाए एक लाइन में कि फादर ऑफ आरआरबी कौन है, तब आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और अगर पूछा दिया जाए कि ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी आरआरबी वाज एस्टैब्लिश, तब आंसर हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। तब क्या हो जाएगा? नरसिम्हन कमेटी। दो अलग अलग आंसर है, याद रखिएगा। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती बेटा, बात यहीं खत्म नहीं होती है। मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर को प्रथमा ग्रामीण बैंक के साथ साथ और भी आरआरबी एस्टैब्लिश हुए थे। 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी टोटल बना था। कितना? 5 5 आरआरबीज वर एस्टैब्लिश। कितने आरआरबी एस्टैब्लिश हुए थे? तो भैया 5 आरआरबी एस्टैब्लिश हुए थे, याद रखिएगा। 5 आरआरबी एस्टैब्लिश हुए थे। पहला कौन था? जो मैंने बता दिया आपको, प्रथमा बताया था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। अभी तुरंत मैंने बताया है प्रथमा ग्रामीण बैंक। अगर पूछा जाए कि पहला ग्रामीण बैंक, तब तो प्रथमा ग्रामीण बैंक हो जाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को 5 ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था, जिसमें से कौन कौन थे? एक प्रथमा ग्रामीण बैंक था जो यूपी के मुरादाबाद में एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। 5 आरआरबी एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन कितने स्टेट में? तो 4 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में? तो 4 स्टेट्स में, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूछा जाता है कि पहली बार टोटल कितने आरआरबी का स्थापना किया गया था, कितने राज्यों में? तो भैया 5 आरआरबी का स्थापना किया गया था 4 राज्यों में। आरआरबी की संख्या 5 है, लेकिन राज्य की संख्या 4 है। तो पहला कौन? प्रथमा बताया। उसके बाद दूसरा है गौर ग्रामीण बैंक। हमेशा याद रखिए। दूसरा कौन था? गौर ग्रामीण बैंक, जो वेस्ट बंगाल के मालदा का नाम सुना होगा आपने, मालदा जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पर स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? मालदा में। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक था वो कौन था? यूको बैंक। इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? यूको बैंक। ये स्पॉन्सर्ड था, स्पॉन्सर बैंक कौन था? दूसरा बैंक कौन था? गौर ग्रामीण बैंक। कौन सा दूसरा कौन था? गौर ग्रामीण बैंक। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल सही है। गौर, ये नाम याद रखना। 4 स्टेट, 5 आरआरबी, प्रथमा, बिल्कुल। काशी गोमती भी हटा दो बेटा, काशी गोमती भी हटा दो। चलिए गौर ग्रामीण बोर्ड। चलिए अब तीसरा कौन आएगा? गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कौन सा? गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये भी कहां पड़ता है? यूपी में। कहां पे? यूपी में। और इस ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक था वो कौन? एसबीआई। कौन सा? एसबीआई। मैं एक बात बता दूं बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है? तो याद रखिएगा, एसबीआई सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एसबीआई जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि एक बात बताओ बेटा, मैक्सिमम ब्रांच किसका? जहां पे ग्रामीण, हर ग्रामीण स्तर पर देख लो, जहां किसी बैंक का ब्रांच नहीं मिलेगा वहां एसबीआई का ब्रांच मिलेगा। तो मैक्सिमम आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है? तो एसबीआई। और चौथा नंबर में कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये चौथा ग्रामीण बैंक था, हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और ये हरियाणा में, ये कहां पे? तो हरियाणा में। कहां पे खोला गया? हरियाणा। और मैं बता दूं, इसका स्पॉन्सर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? तो पंजाब नेशनल बैंक। मोस्ट ऑफ द ग्रामीण बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय द एसबीआई। मैक्सिमम ग्रामीण बैंक जो स्पॉन्सर किए गए वो एसबीआई, मतलब मैक्सिमम आरआरबी का स्पॉन्सर बैंक कौन है? एसबीआई है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा बेटा, जो लास्ट था, जो लास्ट
जो सबसे लास्ट था वो कौन था, तो याद रखिएगा वो था जयपुर, जयपुर, जयपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर, जयपुर आंचलिक, आंचलिक, आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर आंचलिक ग्रामीण, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक, जो कहां पे खोला गया था बेटा, तो राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में, कहां पे, राजस्थान में। और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन, तो इसका स्पॉन्सर बैंक था कौन सा, तो भैया इसका स्पॉन्सर बैंक था यूको बैंक, कौन सा, यूको बैंक, कौन सा, यूको बैंक, कौन सा, यूको बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, कौन सा, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, बिल्कुल। सेंट्रल बैंक किसका, मैं बताता हूं, सेंट्रल बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो स्पॉन्सर बैंक है वह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मैं बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लो, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस रिगार्डिंग द आरआरबी, डोंट वरी, प्लीज डोंट टेक एनी टेंड ऑफ टेंशन, मैं सारा चीज आपको बताऊंगा कि आरआरबी के बारे में, अभी तो शुरुआत है, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो आरआरबी के बारे में आपको यहां पर जानने, जो आपको इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को मैं उठाऊंगा, एक एक ऐसा पॉइंट है जो नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो याद रखिएगा, तो ये पांचों ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। एक बात और याद रखिएगा बेटा, विद इन वन ईयर, जब एक साल में, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, विद इन वन ईयर, एक साल में 25 आरआरबी एस्टैब्लिश किए गए, 25 आरआरबी और एस्टैब्लिश्ड 25 आरआरबी एस्टैब्लिश किए गए थे एक साल के दरमियान कितने आरआरबी एस्टैब्लिश किए गए थे, 25 आरआरबी एस्टैब्लिश किए गए थे, कहां पर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अलग अलग जगहों पर 25, एक साल के अंदर 25 आरआरबी एस्टैब्लिश हो चुके थे, एक साल के अंदर 25 आरआरबी ओपन हो चुके थे। मैं बता दूं बेटा, सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम, याद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1990 का जब सेशन देखिएगा, 1990s में जो था 196 आरआरबी खुल चुका था, 196 आरआरबी खुल चुका था, कहां पे, वो 90 में, 2017 में, ये भी देखो मैं एक छोटा सा नोट्स बता रहा हूं, 56 आरआरबी, यही आरआरबी क्या हो गए, मर्ज हो गया था, ये आरआरबी क्या हो गया था मर्ज हो गया था और 56 आरआरबी कर दिया गया 2017 में, और 2000, मैं इसके बाद बता दूं कि 2019 में 45 आरआरबी, कितने आरआरबी, 45 आरआरबी रह गए, लेकिन आपको बताना है कि 2020 में मतलब एट प्रेजेंट कितने आरआरबी फंक्शन में है, एट प्रेजेंट कितने आरआरबी वर्किंग में है, जल्दी से मुझे बताइए, उन 2020 में, अभी वर्तमान में, एक साल के अंदर तो 25 आरआरबी खुल गए, और 1990 के दशक में 196 सबसे मैक्सिमम आरआरबी की संख्या 1990 के दशक में थी, 196, लेकिन ये आपसे पूछेगा, मैक्सिमम तो पूछता ही है, लेकिन पूछेगा वर्तमान में अभी कितना है, वर्तमान में कितने आरआरबी अभी वर्किंग में है, कितने आरआरबी अभी फंक्शन में, जल्दी से मुझे बताइए, 43, एकदम देखो सबका आंसर आ गया, सबसे पहला आंसर आया है भैया शिवानी सिन्हा का 43 आरआरबी, अनन्या शर्मा 43, कुमारी राधा ने 43, मनीषा कुमारी 43, सौरभ नायक 43, अभय कुमार 43, सबका है 43, अभय कुमार 43, डिंपल कुमारी 43, शिवानी सिन्हा 43, आरआरबी 22, बिल्कुल 43, जिनका 43 आंसर है बिल्कुल सही है, कितना है 43, कितना है 43। और बेटा जी फ्यूचर में, इन फ्यूचर इनको 36 आरआरबीज में कन्वर्ट करने की बात अरुण जेटली साहब ने, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो गुजर गए, उन्होंने ये बात कह दी थी कि 33 से 36 के बीच में हम आरआरबीज को लेकर के आ जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट कितना आरआरबीज है, तो 43, एट प्रेजेंट कितने आरआरबीज हैं, तो 43 आरआरबीज हैं। और एक बात याद रखिए बेटा,
सिंपल सा, किस कमिटी के सिफारिश पर ये मर्जर का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था? तो भंडारी कमिटी के सिफारिश पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ भंडारी कमिटी द कॉन्सेप्ट और द प्रोसेस ऑफ मर्जर वाज स्टार्टेड ऑफ आरआरबी। मतलब आरआरबी का जो मर्जर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था भंडारी कमिटी के सिफारिश पर, और जो घटते घटते अब कितना आ गया है 43। इसलिए इस बार जो आपका नोटिफिकेशन आया है आरआरबी का, वो भी 43 आरआरबीज के द्वारा दिया गया है। कितने आरआरबीज के द्वारा? 43 आरआरबीज के द्वारा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरआरबीज में बहुत आपको आंसर देना है कि आरआरबीज में शेयर होल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना है। जल्दी से बताइए कंट्रीब्यूशन कितना है आरआरबीज के अंदर, शेयर होल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना? जल्दी से मैं आपको बता दूं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना परसेंट? 50%। और स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंट? स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंट बेटा? तो 15%। कितना परसेंट? 15%। और स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना? तो स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना बेटा? तो स्पॉन्सर्ड बैंक का कितना हो जाएगा? 35%। कितना 5%? 35। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट 1976 के तहत, आरबीआई एक्ट 1976 के तहत जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी जो है उसमें कंट्रीब्यूशन, शेयर होल्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 50% का, स्टेट गवर्नमेंट का 15% का, और स्पॉन्सर्ड बैंक का 35%। स्पॉन्सर्ड बैंक जितना भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है, जो आपका एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस होता है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है स्टाफ का, ये सारा काम कौन देखता है? तो भैया स्पॉन्सर्ड बैंक देखता है। ग्रामीण बैंक के लिए जमीन की अगर जरूरत है, जहां पे इसको एस्टैब्लिश किया जाए, लैंड वैंड का इशू है, वो कौन देखता है? तो स्टेट गवर्नमेंट। और सारा जो मैक्सिमम प्रोसेस जो होता है किसके द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और मैंने क्या बताया, स्पॉन्सर्ड बैंक जो होगा वो हमेशा ऑलवेज बी अ नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पब्लिक सेक्टर, कोई प्राइवेट बैंक कभी भी स्पॉन्सर्ड बैंक नहीं हो सकता, हमेशा नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक। अगर सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक कहोगे तब तो पब्लिक सेक्टर बैंक में प्राइवेट जो है, याद रखिए पब्लिक सेक्टर बैंक जो होगा, जो नेशनलाइज्ड होगा, वही जो है, दोनों में से कोई भी कह सकते हो, जो है स्पॉन्सर्ड बैंक होगा। याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए, एक क्वेश्चन यह भी आता है बेटा कि आरआरबी जो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आरआरबी में जमा किए गए पैसे, आरआरबी पे जमा किए गए पैसे क्या डीआईसीजीसी को कवर करता है? क्या डीआईसीजीसी जो है, क्या डीआईसीजीसी के बारे में आपने सुना होगा? डीआईसीजीसी जो है कवर्स करता है, कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ आरआरबीज अकाउंट होल्डर। क्या आरआरबी के अकाउंट होल्डर का डीआईसीजीसी जो है वो आपका इंश्योरेंस कवर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। डीआईसीजीसी जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, आप लोग को याद कीजिए, कई बार मैं बता चुका हूं, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या नाम है इसका? कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा, कॉर्पोरेशन। और ये भाई किस एक्ट के तहत आया था? तो 1961 के तहत आया था। और इस्टैब्लिश कब किया गया था? याद रखिएगा, 15 जुलाई 1978 को। जो कितना का इंश्योरेंस देता है भैया? इंश्योर्ड करता है कितना का? 5 लाख का। पहले कितना था? 1 लाख का। 28 फरवरी 2020 से जो है ये क्या कर दिया गया? 5 लाख का, आपके सेविंग डिपॉजिट का 5 लाख तक के अमाउंट का इंश्योरेंस करता है। तो याद रखिए बेटा, आरआरबी को भी ये करता है, आरआरबी के अकाउंट का भी ये डीआईसीजीसी जो है कवर, इंश्योरेंस कवर करता है। याद रखिएगा, डीआईसीजीसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव बना करके जो है
वो आपके आरआरबी एग्जाम में पूछा। देखो मैं कैसे बताता हूं, तो डीआईसी जीसी की फैसिलिटी देता है। दूसरा एक बात और याद रखे, डीआईसी जीसी कवर्स करता है जो आरआरबी में जो अकाउंट होल्डर, आरआरबी के जो अकाउंट होल्डर हैं, अगर वो अपना पैसा पार्क करते हैं, जमा करते हैं, सेविंग करते हैं आरआरबी के बैंक में, तो डीआईसी जीसी वहां पर भी उसके अमाउंट का इंश्योरेंस करता है, 5 लाख को इंश्योर्ड करता है, 5 लाख तक की जमा राशि को इंश्योर्ड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी। और एक बात याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है आरआरबी जो है वो इंटाइटल्ड है, इंटाइटल्ड टू मेंटेन। क्या क्या मेंटेन करेगा बेटा? तो याद रखिएगा आरआरबी इंटाइटल्ड है क्या मेंटेन करने के लिए बेटा जी? तो सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा उसको, किस एक्ट के तहत? तो अंडर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ग्रामीण बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। और बेटा जी डीआईसीजीसी के बारे में बोल रहे हैं सीमा मेहता एक बार फिर से, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है बेटा, जो एक एक्ट 1961 के तहत 15 जुलाई 1978 को लाया गया था। और इसका बेसिक काम है जो आप सेविंग अकाउंट में जो आप डिपॉजिट्स करते हो उस पर आपको 5 लाख तक की राशि पर इंश्योरेंस करता है। अगर मान लीजिए कल के डेट में आपने बैंक में 5 लाख रुपया तक रखा है, और अगर मान लीजिए कल बैंक डूब गया, मर गया, सड़ गया, गल गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, तो आरआरबी 5 लाख तक का जो है डीआईसीजीसी जो है 5 लाख तक का अमाउंट जो है आपको लौटाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 ही लाख रुपया है और बैंक डूब गया, तो 3 लाख ही मिलेगा। मैक्सिमम कितना भी रहे, मिनिमम आपको 5 लाख तक ही मिलेगा। मिनिमम मतलब जो मैक्सिमम जो है वो 5 लाख तक की इंश्योरेंस डीआईसीजीसी कर दे। तो आरआरबी के डिपॉजिट पर भी यह होता है, याद रखिएगा सीआरआर मेंटेन करेगी, और एसएलआर ये भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। मैंने बताया है ना 1949 के सेक्शन 24 के तहत उसको एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन जानते हो बेटा एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है? उन्होंने डीआईसीजीसी को भी कवर किया, डीआईसीजीसी कवर करेगा उसके डिपॉजिट का इंश्योरेंस, और सीआरआर भी मेंटेन करना पड़ेगा आरआरबी को, एसएलआर भी मेंटेन करना पड़ेगा, और कार जिसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, जिसको कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो भी बोलते हैं, वो कितना परसेंट रखा गया? तो 9% याद रखेगा। एट परसेंट कितना परसेंट रखा गया? एट कितना परसेंट? तो भैया कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो लोन से बचने के लिए, जो बैड लोन, जो लोन डूबने से बचने के लिए लोन को बांटने के समय ही एक सर्टन अमाउंट रिजर्व रखा जाता है, जिसको अपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, इसी को करार बोलते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो बोलते हैं, जो कितना परसेंट? 9%। मतलब अगर 100 रुपया अगर वो बांट रहा है तो 9 रुपया पहले से वो क्या करेगा? एक्स्ट्रा पार्क करके रखेगा, मतलब 91 रुपये ही वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर, 91 रुपया वो कार के रूप में मेंटेन करेगा फर्दर लॉस के केस में उसको उभरने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एमएसएफ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एमएसएफ आरआरबी मेंटेन नहीं करता है, आरआरबी के द्वारा जो है एमएसएफ मेंटेन नहीं होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत आरआरबी जो है ओवरनाइट लोन की फैसिलिटी वो आरबीआई से नहीं ले सकता। एमएसएफ की फैसिलिटी जो है, एमएसएफ के तहत मैंने क्या बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी का इनडायरेक्ट मेथड में आता है ना, डायरेक्ट मेथड में कौन कौन? सीआरआर और एसएलआर आता है, सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ेगा, कार मेंटेन करने पड़ेगा, लेकिन एमएसएफ के तहत आरआरबी आरबीआई से एक दिन के लिए लोन नहीं ले सकता। एमएसएफ की फैसिलिटी आरआरबी के लिए नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कौन सी फैसिलिटी आरआरबी के लिए नहीं है, कौन सा चीज आरआरबी के लिए नहीं है, तो सीआरआर, एसएलआर, डीआईसीजीसी, एमएसएफ, कार, ये करके दे सकता है ना क्वेश्चन? तो याद रखिएगा एमएसएफ की फैसिलिटी आरआरबी के लिए नहीं होती, आरआरबी एमएसएफ के तहत आरबीआई से ओवरनाइट लोन की फैसिलिटी नहीं ले सकता, याद रहेगा।
क्लियर है? लाइक करते चले जाइएगा सेशन को प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया है। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है बेटा, जो सबसे विवादित क्वेश्चन है, जो मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चों का आंसर सही होता है, कितने बच्चों का आंसर सही होता है। आरआरबी इज रेगुलेटेड बाय, आपको बताना है कि आरआरबी जो है किसके द्वारा रेगुलेट होता है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। आरबीआई, आरआरबी, ग्रामीण बैंक जो है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, जल्दी से मुझे बताइए। ग्रामीण बैंक किस एपेक्स बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेटिंग ऑथोरिटी किसके पास है, जल्दी से मुझे आपके आंसर आने चाहिए। अभी तक आंसर नहीं आया है, देखो सबसे पहला आया है मुस्कान भट्ट का आंसर आया है नाबार्ड। राहुल कुमार, वेरी टॉपिक सर, वेरी नाइस टॉपिक सर, थैंक यू। कृतिशु, रेपो रेट रिजर्व, ये सब रेपो रेट वो तो मानना ही पड़ेगा बेटा, वो अलग चीज है, ठीक है। नीरज कुमार, बट वाई सर जी, मैंने बताया ना, क्योंकि इसमें जो है वो बात यह है कि आरबीआई बोलता है कि नहीं, हम कुछ कंडीशन इस पर अप्लाई करेंगे जिसके तहत एमएसएफ की प्रक्रिया इसमें नहीं दी जाएगी। शिवानी, नाबार्ड प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर, नाबार्ड। देखो पैशनेट उज्जवल का सबसे सही आंसर है, क्लैप फॉर द उज्जवल, पैशनेट उज्जवल के लिए एकदम बिल्कुल सही आंसर है। रेगुलेटेड बाय क्या होगा, आरबीआई। एक बात याद रखिएगा बेटा, हमेशा याद रखिएगा, सभी बैंकों के ऊपर जो एपेक्स बॉडी है, जो रेगुलेटर बॉडी है, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा रेगुलेटर बॉडी है, वो मात्र एक है, वो कौन है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई। सभी बैंकों का बाप कौन, आरबीआई। मनी मार्केट का रेगुलेटर बॉडी कौन, आरबीआई। सभी बैंकों का रेगुलेटर बॉडी कौन, आरबीआई। सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार किसके पास, आरआरबी के पास। जो सोल ऑथोरिटी है करेंसी इशू करने का, वो अधिकार किसके पास, तो आरबीआई के पास। तो याद रखिए बेटा, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड जो आपने कहा ना, नाबार्ड के पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नाबार्ड के पास जो है वो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ सुपरविजन and inspection of RRB's operations। ध्यान से सुनिएगा, मतलब नाबार्ड को सुपरविजन अथॉरिटी दिया गया है। अगर कोई पूछे कि आरआरबी किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए कि आरआरबी सुपरवाइज एंड इंस्पेक्टेड बाय विच बॉडी, तो नाबार्ड के द्वारा। आरआरबी पर, ग्रामीण बैंक पर जो सुपरविजन अथॉरिटी होता है, निगरानी होती है, इंस्पेक्शन जो करता है, वो कौन करता है, नाबार्ड। तो याद रखिए किस एक्ट के तहत, तो याद रखिए इस चीज की चर्चा अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इस बात की चर्चा की गई है कि नाबार्ड जो है एक सुपरविजन अथॉरिटी के तहत काम करेगा, बिल्कुल सुपरविजन बाय आर नाबार्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर अनन्या शर्मा। बच्चे, क्या आपको जानकारी कुछ अलग मिल रही है या नहीं मिल रही है? ऐसा तो नहीं ना कि आपको लगता है सर सब चीज तो पढ़ा ही हुआ है, कुछ ना कुछ तो आपको लग रहा है। रिविजन, अगर जिनका पढ़ा हुआ है उनका रिविजन हो रहा है। अभी भी बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हैं, मुझे सबका नाम याद है, आप घबराओ नहीं, मुझे सबका नाम याद है। क्या कहते हैं कि इस शहर ने मुझे बहुत कष्ट दिए है और सारा कष्ट का हिसाब लूंगा बारी बारी से। तो याद रखना, जो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सभी से सवाल करूंगा मैं बारी बारी से। तो ये भूलना नहीं, मैं बोल रहा हूं, I am the man of words, जो मैं कहता हूं वो बिल्कुल करता हूं। तो इस बात से लिए, इस बात को कभी भी नजरअंदाज मत करना कि सर हमको माफ कर देंगे, सर इग्नोरेंस को टॉलरेट कर लेंगे, तो वो कभी टॉलरेट नहीं होता मेरे तरफ से। तो याद रखिएगा, चलिए आगे मैं बता दूं कि अगर कोई पूछे कि आरआरबी किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो क्या आंसर होगा, आरबीआई के द्वारा। अगर पूछा जाए कि सुपरविजन और इंस्पेक्शन की अथॉरिटी किसके पास है, तो नाबार्ड के पास। नाबार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तो नाबार्ड के द्वारा यह सुपरविजन अथॉरिटी मेंटेन, किस एक्ट में इसको डिफाइन किया गया है, तो आरबीआई जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 क्लॉज 6 में, क्लॉज 6 में, याद रहेगा जल्दी से। चलिए
क्लियर है। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई जो आरआरबी जो है, आरआरबी जो है कौन से, आरआरबी आरआरबी जो है वो कौन से स्टेट में, किस स्टेट में नहीं है, किस स्टेट्स में नहीं है फंक्शन में, नॉट इन फंक्शन, किस स्टेट में नॉट इन फंक्शन, किस स्टेट में फंक्शन में नहीं है बताओ। जहां एक ऐसे स्टेट का नाम बताना है जहां पर आरआरबी के एक भी ब्रांच नहीं है, आरआरबी के एक भी ब्रांच नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ, आरआरबी के एक भी ब्रांच नहीं है, एक भी ब्रांच नहीं है, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि कहां पे आरआरबी के एक भी ब्रांच नहीं है, एक भी ब्रांच। गोवा एंड सिक्किम कौन से स्टेट हो जाएंगे, तो गोवा, गोवा एंड सिक्किम, गोवा एंड सिक्किम, गोवा एंड सिक्किम। बेटा जी गोवा एंड सिक्किम ये दो ऐसे राज्य हैं जहां एक भी आरआरबी अवेलेबल नहीं है। और अगर यूटीज की बात की जाए, यूटीज में थ्री यूटीज हैं, थ्री यूटीज हैं जहां पे आरआरबी के ब्रांच, आरआरबीज आर वर्किंग, आरआरबीज आर वर्किंग, कहां कहां पे, तो यूटीज में कहां कहां, कहां कहां होंगे बेटा जी, तो आरआरबीज कहां कहां वर्किंग कर रहे हैं यूटीज में, तीन तीन यूटीज है, तीनों यूटीज का नाम बताओ, तीनों यूटीज केंद्र शासित प्रदेश जहां पर आरआरबी के ब्रांचेस अवेलेबल हैं, जहां पे आरआरबी के ब्रांचेस फंक्शन में है, जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन से हैं जहां पर ऑपरेशन कर रहा है, जहां पर आरआरबी जो है ऑपरेशन में है, यूटी का नाम बताना है। बिल्कुल सबका आंसर ठीक है, गोवा एंड सिक्किम, ऑल आर राइट, सब सभी सही हैं, ऑल आर राइट, सभी सही हैं। आपको बताना है कि यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है, आंसर आपका आना चाहिए, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है, यूनियन टेरिटरी में कौन कौन है, जल्दी से बताओ यूनियन टेरिटरी में कौन है। यूनियन टेरिटरी की बात मैं कर रहा हूं, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल हिंदी थोड़ा सा बोलने में लड़खड़ा गया, केंद्र शासित प्रदेश में याद रखिएगा पुदुचेरी, कौन कौन सा, पुदुचेरी, पुदुचेरी, दूसरा लद्दाख, कौन सा, लद्दाख, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो थ्री यूटीज हैं जहां पर आपके आरआरबीज अभी फंक्शन में हैं, तो इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर, पुदुचेरी और पुदुचेरी और लद्दाख। तो तीन यूनियन टेरिटरी, ये बहुत विवादित क्वेश्चन, लड़के दिल्ली भी आंसर मार देते हैं लेकिन दिल्ली नहीं मारना है, आपको आंसर तीन मारना है, पुदुचेरी और लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पर आरआरबी के ब्रांच अवेलेबल हैं, आरआरबी के ब्रांच अवेलेबल हैं, अवेलेबल हैं, आरआरबी के ब्रांच अवेलेबल हैं, याद रखिएगा आरआरबी के ब्रांच अवेलेबल हैं। अब एक क्वेश्चन याद रखिए बेटा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आरआरबी जो है, आरआरबी जो है, आरआरबी जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना करता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग उनका क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना लैंडिंग करता है, आरआरबी ग्रामीण बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत कितना लोन डिस्पर्स कर सकता है, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार आरआरबीज को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कितना लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में चीजों को डिस्कस किया है बड़े पैमाने पर, उसका एमसीक्यू भी हुआ है, तो जल्दी से मुझे बताइए कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आरआरबीज का कॉन्ट्रीब्यूशन जो डिस्पर्सन होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो कितना परसेंट करता है, जल्दी से, बिल्कुल देखो आंसर का पैशनेट उज्जल का 75%, कितना परसेंट, तो 75%, कितना परसेंट, तो 75%, कितना परसेंट बेटा, तो 75%, कितना परसेंट, 75%, और 75% में क्या क्या है, तो याद रखिएगा क्या है, तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर याद रखिएगा बेटा, याद मैं बता देता हूं फिर से एक बार, एग्रीकल्चर में कितना परसेंट, 18%, कितना परसेंट, 18%, और इस 18% में 8% कहां चला जाएगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल
फार्मर्स को कितने दिए जाएंगे? 8%। याद रखिएगा, स्मॉल फार्मर्स वो होंगे बेटा जी जिसके पास एक से एक हेक्टेयर से ऊपर दो हेक्टेयर तक के बीच में जमीन हो, एक से दो हेक्टेयर के बीच में जमीन हो। और मार्जिनल जो मार्जिनल फार्मर्स होंगे जिसके पास मैक्सिमम एक हेक्टेयर तक का जमीन होगा वो हो जाएगा। तो 18% एग्रीकल्चर में। उसके बाद वीकर सेक्शन, देखिएगा वीकर सेक्शन के लिए कितना दिया गया है? तो वीकर सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीकर सेक्शन को 15%। कितना परसेंट? तो 15%। रिन्यूएबल एनर्जी में कितना परसेंट? तो याद रखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी में कितना परसेंट? याद मैंने बताया था मैंने एनर्जी में कितना परसेंट? तो 15%। कितना परसेंट? 15%। और मैंने बताया था क्या स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस में कितना परसेंट? 7.5%। और रेस्ट परसेंट जो है वो किसको दिया जाएगा? तो अदर्स को। किसको? तो अदर्स को, याद रखिएगा बेटा जी। और एक बात और याद रखिएगा बेटा, आरआरबी का जो अर्लियर कंट्रीब्यूशन था, अर्लियर पहले कितना था? पहले था 60%। 1 जनवरी 2016 से आरबीआई ने क्या कर दिया? आरबीआई ने इसको चेंज करके कितना कर दिया? 75%। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरआरबी का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कब बढ़ाया गया। तो 1 जनवरी 2016 से आरबीआई ने ये निर्देश दिया ग्रामीण बैंक को कि आप टोटल एडजस्टेड नेट बैंकिंग से जो क्रेडिट है एएनबीसी है, टोटल ऑफ 25% ऑफ एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जिसमें नॉन जो है SLRs बॉन्ड सारे बॉन्ड आ जाते हैं। तो याद रखिएगा 75% जो है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर, पहले कितना था 60%। याद रखिए कंट्रीब्यूशन मैंने यहां बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि भैया एक बात बताओ कि आरआरबी कौन सा आरआरबी है जो पहला रुपए कार्ड जारी किया था। मैंने बताया था फर्स्ट आरआरबी जिसने डेबिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो याद रखिए बेटा, डेबिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था रुपे कार्ड के नाम से किया गया था बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया गया था? तो 2011 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो बाय काशी गोमती ग्रामीण बैंक बाय द हेल्प ऑफ NPCI। किसके द्वारा किया गया था? NPCI के द्वारा। याद रखिएगा NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा काशी गोमती ग्रामीण बैंक ने 2011 में कहां पर? तो वाराणसी में। कहां पर? याद रखिएगा प्लेस्ड कहां पर किया था? तो याद रखिएगा वाराणसी में। और ये बात मैं बता दूं, काशी गोमती ग्रामीण बैंक कहां की बैंक है? यूपी की ग्रामीण बैंक है, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक है। और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और किसके द्वारा किया गया था? इनॉग्रेटेड बाय किसके द्वारा किया गया था? तो मिस्टर प्रणब मुखर्जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तो कुछ नहीं है, बहुत कुछ है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्या है कि पूछा जाता है कि आरआर बिहार में कितने आरआरबी है। हाउ मेनी आरआरबीज इन बिहार। बिहार में कितने आरआरबी फंक्शन में है?
कितने बिहार आरआरबी फंक्शन में, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए बेटा बता दूं मैं, अगर बात करें एट प्रेजेंट में, तो एट प्रेजेंट में कितने हैं, तो याद रखिएगा एट प्रेजेंट में मात्र दो हैं। कौन कौन हैं? मात्र दो आरआरबी हैं, मात्र दो आरआरबी हैं। अभी बिहार में कितने आरआरबी हैं, तो याद रखिएगा बिहार में भी मात्र दो आरआरबी हैं। क्वेश्चन कई बार रहता है बिहार में भी कितने आरआरबी हैं, तो दो हैं, एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एक कौन है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक यूबीजीबी, एक नाम क्या है यूबीजीबी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, अभी कुछ बच्चे ने पूछा था स्पॉन्सर बैंक, तो याद रखिएगा बेटा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका कौन है, जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका स्पॉन्सर बैंक है, और इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां है, तो मुजफ्फरपुर, नाम सुना होगा आपने मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में इसका क्या है हेडक्वार्टर्स है, हेड ऑफिस है। यह कौन है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। और है एक कौन, दक्षिण, एक कौन है बेटा दक्षिण, याद रखिए एक कौन है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। एक बात मैं बता दूं बेटा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है आफ्टर द मर्जर कौन कौन सा, तो याद रखिएगा एमबीजीबी प्लस बीजीबी, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से ग्रामीण बैंक को मर्ज करके बनाया गया है, मध्य बिहार, एम फॉर मध्य, बी से बिहार, जी से ग्रामीण, बी फॉर बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, एक नया बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया, कब, तो जनवरी 2019 को दो बैंकों को मर्ज कर दिया गया, किस बैंक को, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक बना दिया गया, जिस बैंक का नाम रखा गया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, तो याद रखिए बेटा इसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, जल्दी से मुझे बताओ इसका स्पॉन्सर बैंक, पीएनबी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल नीलेश कुमार का सही आंसर है, पीएनबी इज द करेक्ट आंसर, इसका हेड ऑफिस कहां है, तो याद रखिएगा इसका हेड ऑफिस पटना, कहां पे, तो भैया पटना कहां पे है, पटना में। तो याद रखिए बिहार में कितने आरआरबी फंक्शन में है, तो याद रखिए आरआरबी कितने फंक्शन में है, तो दो आरआरबी फंक्शन में है, एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जिसको स्पॉन्सर कर रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और है इसीलिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जब एटीएम कार्ड भी देखिएगा तो वहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लिखा हुआ होगा, और जब आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की ओर जाते हैं जो 1 जनवरी 2019 को मर्जर के बाद बनाया गया, जो एमबीजीबी मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण जो बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक नया बैंक लाया गया जिसका नाम है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, और इसको स्पॉन्सर किया किसने, पीएनबी, और इसका हेड ऑफिस कहां है, तो पटना, याद रखिएगा कहां पे है, तो पटना, क्या है, पटना में। अब देखिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये रखिएगा, एक अमेंडमेंट हुआ था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रीजनल रूरल बैंक्स अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट एक्ट 2015 में, ध्यान से सुनिएगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आरआरबी में कुछ अमेंडमेंट किए गए, क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आरआरबी जो था वो मैटर ऑफ लॉस का था, बहुत ही घाटे का सौदा था, घाटे में जा रही थी, ये एक ऐसा था जिसमें जिस कहा जाता है कि इसके जन्म में ही आरआरबी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि आरआरबी के जन्म में ही जो है नुकसान का अंश, उन नुकसान का जो बीज था वो पनपना शुरू कर दिया था, मतलब जब से आरआरबी की स्थापना की गई थी उसी समय से आरआरबी जो है घाटे के सौदा में जाता, क्यों, क्योंकि आरआरबी की स्थापना की ही गई थी, जो क्या मेन पर्पस क्या था कि वो कमर्शियल वे में इसका काम नहीं करेगा बल्कि रूरल इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का काम करेगा, किसानों को फंडिंग का काम करेगा, रूरल डेवलपमेंट का काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को वहां पर बढ़ाएगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद
करेगा ताकि वहां पे इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश किया जाए फंडिंग करके। तो इन सारे चीजों के लिए किया जाए, मतलब मैटर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट का मैटर कभी भी आरआरबी को नहीं रखा गया और कभी भी इस बेस पर आरआरबी की स्थापना नहीं की गई थी। तो जो कारण यह था, याद रखे जो भी इंस्टीट्यूशन कमर्शियल वे पे काम नहीं करेगा ये तो बाद में उसको लॉस में जाना ही था, तो यह मैटर कहीं ना कहीं लॉस का था। इसीलिए कुछ अमेंडमेंट किए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो 2015 में किए गए थे। याद रखिएगा ये अमेंडमेंट, ये जो बिल है ये प्रेजेंट किया गया था, प्रेजेंटेड इन ये जो बिल था, प्रेजेंटेड एज बिल इन 2014 में इसको बिल बना करके पेश किया गया था, और एक्ट बना कब, तो 2015 में। एक्ट कब बना, तो 2015 में। एक्ट कौन कब बना, और 2015 में। और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस्ड बाय अरुण जेटली साहब, फॉर्मर फिनांस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब के द्वारा क्या किया गया था कि भैया जो है वो एक रीजनल रूरल बैंक अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें क्या क्या कहा गया ये इंपॉर्टेंट है, बेटा जो ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे नंबर वन पॉइंट है वो ये है कि आरआरबीज का ध्यान से सुनेगा, इसमें ये कहा गया कि आरआरबीज का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो अधिग्रहित पूंजी है, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, इसको क्या करना है हमको 500 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ करना है। कितना करोड़ करना है, 2000 करोड़, जो कि बहुत बड़ा मैटर था। कितना करोड़ करना है, मतलब आरआरबीज का जो ऑथराइज कैपिटल है उसको 500 करोड़ से बढ़ा करके कितना करना है, 2000 करोड़। मतलब पहले अर्लियर कितना था बेटा, तो भैया 500 करोड़, और एट प्रेजेंट कितना है, तो एट प्रेजेंट कितना कर दिया गया कि 2000 करोड़। कितना करोड़, 2000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और एक बात कहा गया बेटा ध्यान से, पहला क्या कहा गया कि आरआरबी में ऑथराइज कैपिटल होगा वो 500 करोड़ से बढ़ा करके कितना कर दिया जाए, 2000 करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ध्यान रखिएगा, कंबाइंड जो दूसरा पॉइंट है, जो सबसे VBI है, कंबाइंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर्ड बैंक not be less than 51%। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात था बेटा। क्या, तो ये बात कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंबाइंड शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 51%, इट्स 51% से कभी भी लेस नहीं जा सकता, not be less than 50, जब भी रहेगा 51% से ऊपर रहेगा, बिल्कुल। और एक बात यही बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या बोला गया था, ये बोला गया था स्टेट गवर्नमेंट का कितना होता है, 15% ना, तो ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 15% से इसको 0% में लाया जा सकता है, और प्राइवेट शेयर होल्डिंग जो है, प्राइवेट ऑनरशिप की जो शेयर होल्डिंग है वो 49% तक इसमें किया जा सकता है। मतलब 51% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ये स्पॉन्सर बैंक का, और जो 49 है वो प्राइवेट एंटिटीज ऑनरशिप किया जा सकता है, और स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरशिप को 15% से 0% तक लाया जा सकता है। लाना है ये बात नहीं कहा, लाया जा सकता है, चाहे वो करना तो वो कर सकती, ये बात कहा गया था। और एक बात कहा गया था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। मैं कल जीएस का देख रहा था, कुछ बच्चों का एक सवाल था कि सर आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर क्या है, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आया, तो याद रखिएगा आरआरबी, आरबीआई का
भारतीय रिजर्व बैंक का जो फिनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, अभी तक वर्तमान परिदृश्य में अभी भी जुलाई से जून ही है। लेकिन शक्तिकांत दास ने यह बात कही थी कि भैया आरबीआई का जो फिनेंशियल ईयर है, अकाउंटिंग पीरियड या फिस्कल ईयर जो बोल लो, उसको अब भारत सरकार के फिनेंशियल ईयर से कनेक्ट कर दिया है। मतलब अब आरबीआई का भी फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया जाए, ऐसा रिकमेंडेशन था, ये अप्रोच था। और बाद में यह फाइनल डिसीजन आ गया कि 2021-22 का जो फिनेंशियल ईयर होगा उसमें आरबीआई का फिनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल 1 अप्रैल से 31 मार्च कंसीडर किया जाएगा। याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जो तीसरा पॉइंट था वो ये क्या था कि आरआरबीज का जो क्लियरिंग और क्लोजिंग भी बोल सकते हो, क्लोजिंग ईयर ये क्लोजिंग ईयर ही बोलो, क्या है क्लोजिंग ईयर, आरआरबी का जो क्लोजिंग ईयर है वो जो है पहले था जनवरी टू दिसंबर, जिसको बाद में कहा कि भैया इस अमेंडमेंट में कहा गया कि इसको भी क्या कर दिया जाए भैया, फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च का कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 31 मार्च का क्या, मतलब आरआरबी का अकाउंटिंग पीरियड कहा जाए, फिनेंशियल ईयर कहा जाए, या फिस्कल ईयर कहा जाए, या क्लोजिंग ईयर कहा जाए, तो वो अब जनवरी से हटाकर जनवरी से दिसंबर जो चलता था वो हटा करके क्या कर दिया गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो भारत सरकार का फिनेंशियल ईयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू रूम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये VVI बहुत ही बार पूछा गया इंटरव्यू में, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूं, ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और कही गई, बेटा, और वो ये था, क्या था कि नो एनी वन, ध्यान रखिएगा, नो वन शैल बी नॉमिनेटेड एज डायरेक्टर, ध्यान से, डायरेक्टर इफ ही इज ऑलरेडी क्या है, ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ मेंबर्स, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर के रूप में नॉमिनेट नहीं किया जा सकता अगर वो पहले से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है तो उसको कि उस किसी भी डायरेक्टर को जो है उसका जो है अपॉइंटमेंट मैक्सिमम अपॉइंटमेंट क्या कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनेगा, अगर कोई व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आरआरबी के है तो वो मैक्सिमम, ध्यान से, यही बात कहा गया कि मैक्सिमम अपॉइंटमेंट जो होगा वो 6 इयर्स के लिए होगा। कितने साल के होगा, मतलब 6 इयर्स से ज्यादा उस व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया जाता डायरेक्टर्स के रूप में, और मैक्सिमम वो डायरेक्टर के रूप में कितना साल रह सकता है, 6 साल के लिए। फर्स्ट फेज में कितने साल के लिए 3 इयर्स के लिए, और सेकेंड टेन्योर उसका कितना होगा तो 3 इयर्स के लिए। मतलब फर्स्ट टेन्योर जो है वो कितना हो जाएगा, 3 इयर्स का, और जो सेकेंड टेन्योर है वो कितना का हो जाएगा, 3 साल का। ये भी बोला गया, अगर कोई व्यक्ति आरआरबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेंबर के रूप में ऑलरेडी है तो उसको डायरेक्टर के रूप में मैक्सिमम 6 साल के लिए रखा जाए, मतलब डायरेक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति नॉमिनेट नहीं किया, और अगर की भी जाएगी तो मैक्सिमम 6 साल के लिए, मतलब पहली बार 3 साल के लिए और दूसरी बार 3 साल के लिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन ये भी आता बेटा, ये भी एक क्वेश्चन आता है बेटा, रिकैपिटलाइजेशन आरआरबीज में किस कमिटी के कहने पर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबीज वाज डन, मतलब रिकैपिटलाइजेशन रिकैपी
कैपिटलाइजेशन रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी वर डन, किसके कहने पर आरआरबी का रिकैपिटलाइजेशन किया गया था? तो याद रखिएगा केसी चक्रवर्ती कमिटी याद रखिएगा केसी चक्रवर्ती कमिटी के कहने पर ऐसा कहा गया था। किसका क्या था? केसी चक्रवर्ती कमिटी के कहने पर रिकैपिटलाइजेशन किया गया था। रिकैपिटलाइजेशन जो आरआरबी का हुआ था वो किस कमिटी के कहने पर हुआ था? तो केसी चक्रवर्ती कमिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और याद रखिए बेटा, कई बार पूछा जाता है क्या पूछा जाता है कि आरआरबी कौन कौन से एक्ट को फॉलो करता है। याद रखिएगा बेटा, आरआरबी रीजनल रूरल बैंक फॉलोज याद रखिएगा दोनों आर कौन कौन सा? तो बेटा जी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो कंपनी एक्ट को भी फॉलो करेगा। कंपनी एक्ट जो है 2013 हो गया है अब, उसको भी फॉलो करेगा। और आरआरबी एक्ट 1976 को भी फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा, ये कई जगह ये नहीं दिया रहता है, बहुत जगह ये नहीं दिया रहता है, लेकिन बैंक है तो ये एक्ट को फॉलो उसको करना है। तो याद रखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो करेगा और साथ ही साथ आरआरबी एक्ट 1976 जो है उसको फॉलो करेगा। अब एक चीज और याद रखिएगा बेटा, कई बार पूछा जाता है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि रोल ऑफ आरआरबी क्या है, तो आप क्या बोल सकते हो? आरआरबी का रोल क्या था, किस पर्पज से आरआरबी की स्थापना की गई थी? तो सबसे पहला आप क्या बोल सकते हो कि क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, क्रेडिट का जो आम लोग थे उसको क्या देने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए। किसके लिए? क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए था ना। और उसके बाद क्या, तो क्रेडिट फैसिलिटी बोल सकते हो। दूसरा क्या था? ग्रांटिंग लोन फैसिलिटी मतलब वही हो गया, बतवा इज द सेम है। और तीसरा क्या था? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, उसके डिपॉजिट को क्या करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और एक बात मैं बता दूं बेटा, ग्रामीण बैंक के डूबने का एक रीजन यह भी था कि आम जनता जो है वो कम से कम जो है वह जमा करती थी पैसा ग्रामीण बैंक में। क्यों? क्योंकि ग्रामीण बैंक का मेन पर्पस था डेवलपमेंट का काम करना, जो है रूरल इथॉस पे काम करना, लेकिन वहां पे मैटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, आम जनताओं को डिपॉजिट पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलते थे, इसलिए वो नेशनलाइज बैंक की ओर भागता था, प्राइवेट बैंक की तरह लोग अपना जमा करने लगे। इस कारण से उसमें जो है डिपॉजिट कम और लैंडिंग का काम ज्यादा होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि बैंक के डूबने का कारण वो बना था। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है गवर्नमेंट ऑपरेशन को क्या करना एग्जीक्यूट करना। मतलब क्या, जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस है, अगर जैसे मान लो रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस, जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, इंटरप्रेनरशिप को क्या करना है, बढ़ावा देना है ना। उसके बाद क्या है, रूरल इकोनॉमी को क्या करने की बात कही गई, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइज, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए फंडिंग का काम करने का काम करने गया, मतलब क्या कहा गया, इंटरनेशनल, जो बढ़ावा जो दिया जाए वो दिया जाए, और रूरल इकोनॉमी को क्या करना, बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई। और सबसे बड़ा बात है इसमें क्या, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था कि टू सेव रूरल पीपल फ्रॉम मनी लेंडर्स से क्या करना, उसको बचाना, ताकि मनी लेंडर्स क्या करते थे, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसको लोन देते थे, उनके चंगुल से बचाना, उससे हटा करके बैंकों की तरफ क्या करना, उसको कन्वर्ट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और क्या था, एक सबसे इंपॉर्टेंट था इंक्रीज इंप्लॉयमेंट एंड ट्रेड एंड ट्रेड
एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। बैंक ग्रामीण स्तर पर वाणिज्यिक चीजों को क्या करना, बढ़ावा देना, ताकि वहां से लोग फंडिंग का फैसिलिटी ले और जो है व्यापारिक चीजों को क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जा सके। यहां तक क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ। अब जो है छोटा सा चीज है, छोटा सा एक टॉपिक है बेटा नाबार्ड के बारे में, छोटा सा, दो से तीन मिनट लगेगा, जिसके बारे में हम नाबार्ड के बारे में भी जान लेते हैं कि नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई थी। यहां पर 2 मिनट लगेगा, आप लोग बने रहना, 2 मिनट ज्यादा नहीं। नाबार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो याद रखिएगा बेटा नाबार्ड का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, नेशनल, कई बार पूछा गया है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखिए इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा बेटा, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं आरआरबी का, जल्दी से लिख के बताइए तो आरआरबी का फुल फॉर्म, आरआरबी का फुल फॉर्म मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर्स भी, और इसका चेयरमैन का भी नाम, क्योंकि जीएस के क्लास में बहुत सारे बच्चे मुझे फोन करके पूछे कि सर इसका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। जल्दी से मुझे चारों चीज लिख के बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताइए बेटा, जल्दी से। तो बेटा नाबार्ड एक क्या है, एपेक्स बॉडी के तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, एपेक्स बॉडी के तरह काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बेटा जी एस्टैब्लिशमेंट जो है 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किसके रिकमेंडेशन पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बी सिवा रमन कमिटी है ना। और बेटा जी, और मैं बता दूं इसका हेडक्वार्टर्स कहां पर, तो मुंबई में, कहां पर इसका हेडक्वार्टर्स, तो मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा चेयरमैन कौन है बेटा जी, मैंने बताया था ना, गोविंदा राजोलू चिंताला। नाम भी इसका बड़ा अल्टर है, इसने रिप्लेस किया है किनको भैया, मैंने क्या बताया था, क्या ना, हर्ष कुमार भानवाला को इन्होंने क्या किया, रिप्लेस किया है। याद रखिएगा हर्ष कुमार भानवाला, बिल्कुल मुंबई को, गोविंद राजूला चिंतला, बिल्कुल सही बात है, गोविंद राजूला चिंतला, याद रखिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाए तो बता दिया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब वो किसान एग्रीकल्चर फार्मिंग को और ग्रामीण स्तर को विकास का काम करता है, फंडिंग देने का काम करता है, और आरआरबी के लिए सुपरविजन अथॉरिटी का काम करता है। तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए बेटा कि नाबार्ड का इनिशियल कॉर्पस क्या था, इनिशियल शुरुआती पूंजी कितनी थी, तो याद रखिए बेटा 100 करोड़, कितना था 100 करोड़, और एट प्रेजेंट कितना है, तो याद रखिएगा एट प्रेजेंट कितना है, तो याद रखिएगा एट प्रेजेंट अभी 30,000 करोड़ है, कितना है 30,000 करोड़ अभी इसका नेट कॉर्पस कितना, एट प्रेजेंट ऑथराइज्ड कैपिटल जो है नाबार्ड का वो कितना है बेटा जी, तो 30,000 करोड़, कितना है 30,000 करोड़ है बेटा जी। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि नाबार्ड किसको सुपरवाइज करता है, देखो याद रखिएगा बेटा नाबार्ड किसको सुपरवाइज करता है, तो याद रखिएगा अंडर सेक्शन, मैंने अभी बताया था अंडर सेक्शन 35 क्लॉज सेक्शन 6 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत क्या करता है भैया, तो नाबार्ड सुपरवाइजेज
किनको किनको सुपरवाइज करता है, तो याद रखिएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो पूछा जाता है इंटरव्यू रूम में, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है। और किसको करता है बेटा जी, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, किसको, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को वो सुपरवाइज करता है, कोऑपरेटिव बैंक को वो सुपरवाइज करता है। और किसको करता है, अभी मैंने बताया था रीजनल रूरल बैंक को करता है, रीजनल रूरल बैंक को करता है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है, अब देखिए एक लास्ट, आप लोग मुझे लिख के बताइए कि नाबार्ड की स्थापना क्यों की गई। बेटा जी नाबार्ड की स्थापना बेसिकली इसलिए की गई थी कि ग्रामीण बैंक को जो टारगेट दिए, जो फंक्शंस उसके थे, उस पर सुपरविजन, जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसका, जो डे टू डे ऑपरेशन सिस्टम है, उस पर इंस्पेक्शन कौन करेगा, सुपरविजन की अथॉरिटी किसकी रहेगी, रूरल वे पर जो फंडिंग का, जो भारत सरकार का डायरेक्ट फंडिंग का जो काम करेगा वो कौन करेगा। एक प्रकार से कहा जाए तो इनडायरेक्ट बेस पर, इनडायरेक्ट बेस पर जो सेकेंड रेगुलेटिंग बॉडी आरबीआई के बाद नाबार्ड पर, वो किसका होता है, तो नाबार्ड का होता है। आरआरबी पर मतलब आरबीआई के बाद अगर आरआरबी पर किसी का रेगुलेशन होता है तो वो किसका होता है, नाबार्ड पर। लेकिन अगर पूछा जाए कि नाबार्ड किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो याद रखिएगा बेटा नाबार्ड किसके द्वारा रेगुलेट होगा, तो नाबार्ड हमेशा किसके द्वारा रेगुलेट होगा, तो याद रखिएगा नाबार्ड इज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय, नाबार्ड इज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा, नाबार्ड इज ऑलवेज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होगा। मैंने अभी बताया था आरबीआई के द्वारा कौन रेगुलेट होता है, तो नाबार्ड। और नाबार्ड किसको सुपरविजन करता है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और आरआरबी को, किसको करता है, आरआरबी को। जल्दी से बताइए पर्पस ऑफ जो है एस्टैब्लिशमेंट, इसका पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसका पर्पस क्या था, पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैं शॉर्ट में लिखता चला जाऊंगा, आप लोग को बताना है पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या था, मेन पर्पस क्या था, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ, सबसे ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो भी ग्रामीण स्तर पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, विलेज इंडस्ट्री है, जो ग्रामीण, जो ग्रामीण इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री है, जो एनिमल हस, जो जो कोटे कुटे, ये कोटेज है, जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग जो घर में रह करके किया जाता है, कुटेज इंडस्ट्रीज को क्या करना, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना, जो कुटीर उद्योग बोलते हैं ना, जो घर में रह करके जो उद्योग किया जाता है, जैसे पापड़ बनाना, इस तरह का काम को क्या करना, एक्सेलरेट करना, क्या करना, एक्सेलरेट करना, और क्या करना, फंक्शन एज अ एपेक्स बॉडी, फंक्शन एज अ, मैंने ये बताया था ना अभी, फंक्शन एज एपेक्स, एपेक्स एजेंसी और बॉडी, एपेक्स एजेंसी और बॉडी, एपेक्स बॉडी के तरह काम करना, एपेक्स बॉडी के तरह काम करना, क्या करना भैया, एपेक्स बॉडी के तरह काम करना, और क्या करना, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन फॉर क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग द वेरियस, जो क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को क्या करना, बॉडी टू प्रमोट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्रेडिट एंड एंड क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर प्रोडक्शन, क्रेडिट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या करना, उधार देना, और इन्वेस्टमेंट को क्या करना, बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया था, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। और लास्ट एक लाइन में कहा जाए तो इसलिए भी कहा गया था बेटा, नाबार्ड को स्थापित किया गया था कि रूरल इकोनॉमी को, रूरल मतलब रूरल इकोनॉमी को क्या करना, एक्सेलरेट करना, क्या करना, मतलब डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ रूरल, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, रूरल एरियाज एंड एंड एक्सेलरेट and accelerate of rural economies, rural economies, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या करना, पंख देना, क्योंकि एक बात याद रखिए बेटा, नाबार्ड जो है वो आरआरबी को सुपरवाइज करने का काम करता है, जो भी रीफाइनेंस की तरह काम करता है, रीफाइनेंस एजेंसी की तरह भी काम करता है, ये भी याद रखिएगा, नाबार्ड ऑल्सो फंक्शन एज, नाबार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाबार्ड ऑल्सो
फंक्शन है जो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में निम्नलिखित में बताइए, रिटर्न एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में कौन सा काम करता है, कौन बॉडी, तो रिफाइनेंस एजेंसी नाबार्ड आल्सो फंक्शन एज रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में भी क्या करता है, काम करता है, रिफाइनेंस एजेंसी के रूप में भी काम करता है। और एक बात याद रखिएगा बेटा, नाबार्ड अब पूरी तरह से गवर्नमेंट इंटिटी है, गवर्नमेंट फुल्ली ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI और नाबार्ड जो है नाबार्ड फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि 100% का शेयर किसका है भैया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, याद रखिएगा ये बात, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आई होप मैंने RRB के रिगार्डिंग सारे चीजों को यहां एक्सप्लेन करके रख दिया बेटा। मुझे लगता है एक और क्वेश्चन देखिए, याद रखिएगा किस ग्रामीण बैंक का नाम जो किसी नदी के नाम पर है, तो वर्धा ग्रामीण बैंक भी है जो एक नदी के नाम पर है, वर्धा नदी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट कभी को क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैंने जितने चीजें थे RRB के रिगार्डिंग वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, शुरू से लेकर के कि RRB का फंक्शन क्या है, हर एक चीज जो है मैंने यहां पर आपको बताया है, नाबार्ड के बारे में हर एक चीज बताया, हर एक पोर्शन को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ईच एंड एवरी, आई हैव टच्ड ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ RRB एज वेल एज ऑल्सो द नाबार्ड, तो नाबार्ड के हर पोर्शन को मैंने टच किया है, टॉप बॉटम टू टॉप लेवल तक जो है हर कंटेंट को मैंने टच करने की कोशिश की है। तो अब जो है हम लोग जो है नेक्स्ट ATM भी मैंने पढ़ाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल एकदम सही है सालू कुमारी, सबको मैं एक बार पढ़ देता हूँ सबका नाम, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बात बता दूं, नेक्स्ट जो है एग्जाम तो 18 तारीख से बढ़ गया है, लेकिन एग्जाम के आसपास, एग्जाम होने से 7-8 दिन पहले मैं 100 क्वेश्चन का रैपिड फायर सेशन लेके आऊंगा, जिसमें RRB के बैंकिंग क्वेश्चन, RRB का जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन सिर्फ RRB से रहेगा और 50 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा, याद रखिए मैं 100 क्वेश्चन का लेकर के आऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो करंट जो GA का क्विज चलता है वो तो चलता ही रहेगा, और RRB NTPC का भी मैं बायलिंगुअल जो है क्विज लेकर के आ रहा हूं, जिसमें आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप उसमें क्विज दे सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में देना चाहे हिंदी में दे सकते हैं, जो इंग्लिश में तो इंग्लिश में। तो सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू, जो भी जितने भी लोग हैं, मेधावी का प्रिया, नाइस सेशन, थैंक यू मेधा जी, अनाना सब लाइक करते जाइएगा बेटा। मैं जानता हूं शायद जो मेंस का पेपर एक्सटेंड हो गया, जो डाइवर्ट हो गया, डेफर्ड हो गया डेट, तो इसलिए बच्चे कम थे, लेकिन मैं, मुझे सारे बच्चों का नाम याद है, टेंशन नहीं लो, मैं आधे घंटे के अंदर सभी लोगों तक मेरा मैसेज चला जाएगा, इसलिए इसमें जो बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने सेशन किया है उनके लिए फ्रूटफुल रहेगा, जिन बच्चों ने सेशन नहीं किया है मैं उनसे क्वेश्चंस जब अराइज को जब वो जवाब नहीं देंगे तो जरूर है कि मेरे से डांट वो सुनेंगे, क्योंकि जब मैं क्लास में भी ये देखूंगा नोट्स, वहां पे भी उनका नोट्स मेंटेन नहीं होगा तो मेरे से डांट वो सुनेंगे ही सुनेंगे, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है, मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, ये बात फेमस है, दिल्ली तक ये बात मशहूर है जहां भी मैंने पढ़ाया है कि मैं पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो सभी को सचिन कुमार थैंक यू सो मच, अंश रिवंशी थैंक यू, शालू कुमारी, अमित कुमार, विकास कुमार, कुमारी राधा, प्रिया सिंह, सभी को थैंक यू, कृति शुला चिंतला, यस कृति शुला इशू जो है चिंतला, राज गोविंदा राजू राजू चिंतला नाम है इनका, एज यूजुअल इट्स वेरी फ्रूटफुल नाइस सेशन, सब प्रीति कुमारी सबका सब बोल रहे हैं नाइस सेशन, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हैं तो हम हैं, हम हैं तो सब है। तो यार मैं एक बार फिर से यहाँ के टेक्निकल हेड अमर जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, CP टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, और CP मंच से आज मेरा मन कर रहा है मैं सारे CP टीचर्स को भी धन्यवाद कहूँ कि वो अपना कीमती समय अपने बच्चों के लिए निकाल के लाते हैं, चाहे वो प्रकाश सर हो मैथ्स के लिए, चाहे वो मनोरंजन सर हो रीजनिंग के लिए, कुंदन सर हो रीजनिंग के लिए, लाल सर हो करंट अफेयर्स के लिए, बैंकिंग के लिए जो, और उसके बाद आपके कुमार सर आपके इंग्लिश के लिए, अमित चौधरी सर इंग्लिश के लिए, और मुझे के श्रीवास्तव सर मैथ्स के लिए, जितने भी टीचर्स हैं जो अभी ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन टीचर्स में भी सारे टीचर्स जो CP टीम के मेंबर हैं, उन सभी को मैं इस मन से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों का डाउट भी क्लियर करते हैं। मुझे कितना बच्चों का कहता है कि सर ये CP इज द बेस्ट, तो मैं खुद कहता हूं कि CP है तो संभव है, बस आप बने रहिए, हम बने रहेंगे, CP टीम बनी रहेगी, तो कामयाबी एक दिन निश्चित मिलेगी, ईमानदार मेहनत अगर सही दिशा में की जाए तो कभी भी बेईमान साबित नहीं होती। तो इसी शब्दों के साथ मैं फिर से कहना चाहूंगा, स्टे सेफ, stay blessed. Thank you so much.